बिल्कुल अपने बाप पर क्या है, जब काम पड़ता है तो कोई भी नहीं मिलता। अगर बुढ़ा साइन नहीं कर सका तो स्टैंप पैड ले लेती हूँ, अंगूठा तो दे ही देगा ना। आंखों के सामने बुआ, कौन है ये? क्यों है हमारे फैमिली फोटोज में? ये तो मेरा बेटा है। बेटा? ये कैसे मार सकता है? ये तो 13 साल पहले मर चुका है। ये ऐसा हो नहीं सकता, मैंने अभी अभी इसे देखा है। किसी ने मारा मेरी माँ को, इसने मेरी माँ को मारा है। ये नहीं मार सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता।
पापा कुछ कह रहे, कुछ बता रहे, देखो क्या चाहिए इन्हें। पापा, नन्ना जी क्या? दादाजी ये फाइल, दादाजी ये वाला, हाँ हाँ यही वो डायरी है 1997। ये तो नाना जी की डायरी है, 13 साल पुरानी डायरी। माँ 1997 की डायरी, ये तो वही साल है जो तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई मारे गए थे। सुनी थी 12 नवंबर। आज के दिन जो भी कुछ हुआ उसे मैं अपने अंदर नहीं छुपा सकता और न ही किसी को बता सकता, इसीलिए यहाँ लिख रहा हूँ। नहीं शांतनु, मैं तुम ऐसे नहीं करने दूंगा। अरे ये जानते हो अभी कि सारी दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है, मैं उन्हें मार्केट में रिलीज नहीं करने दे सकता। अरे उससे लाखों लोगों की जान जा सकती है, ये जानते हुए भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बड़े अमीरजादे हो तुम, हाँ? अरे तुम जानते भी हो अगर ये दवाइयां मैंने मार्केट में रिलीज नहीं की तो कितने पैसों का नुकसान होगा। वो चाहे जो भी हो, लेकिन मैं ये कंसाइनमेंट फैक्ट्री से रिलीज नहीं होने दूंगा। और अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं तो क्या कर लोगे तुम? हाँ तो मुझे मजबूरन पुलिस को बताना पड़ेगा। पुलिस को बताओगे? मुझे धमकी दे रहे हो तुम? एक बात समझ लो, मैं बोटी डालता हूं ना तब तुम खाना खाते हो। हमारे लिए काम करने वाले नौकर हो तुम, समझे नौकर? तुम्हारी फैक्ट्री में काम करता हूं मैं, अपनी मेहनत का खाता हूं, मेहनत का, नौकर नहीं हूं तुम्हारा। नौकर नहीं है, मेरी बहन को फुसला कर शादी की तुमने, और अब बहस कर रहे हो मेरे साथ? ये दो कौड़े के आदमी, तू जानता नहीं मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ, समझे? जानता नहीं है मुझे तो। ये क्या हो रहा है, इतनी रात को तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? पापा आप बीच में मत बोलिए प्लीज। सुबह बात हो सकती है, आप लोग जाकर सो जाओ। आप सो जाइए प्लीज। अरे पर जाइए। आखिरी बार तुम्हें पूछ रहा हूं, मेरे काम में अपनी टांग अड़ाना बंद करेगा या नहीं? तुम्हारी धमकियों से चुप बैठने वाला नहीं हूं मैं। जो गलत है वो गलत है, और मैं गलत के साथ कभी नहीं दे सकता, और ना ही तुमको उसका साथ देने दूंगा मैं। तू मेरी बात नहीं मानेगा? हरगिज़ नहीं। तू मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं, बात नहीं मानेगा तू? हाँ शांतनु ने मेरे दामाद और फूल जैसे पोते की जान ले ली, अब मैं क्या करूं? आवाज उठाऊंगा तो अपने बेटे को भी खो दूंगा, मुझे चुप रहना होगा, इसे राज ही रखना होगा। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। मेरा बेटा। दादाजी उठिए। दादाजी। काका
आप यहाँ अकेले क्या करेंगे? आप भी चलिए हमारे साथ। और वैसे भी इस घर ने सबको खा लिया। मेरा अपना बेटा आत्मा बन के उसकी जान ले रहा है। नहीं बेटे, ऐसे मत कहो। तुम्हारा बच्चा मौत की दुनिया से वापस सिर्फ तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए आया था। लालच आदमी को खाई जाती है। बुराई हमेशा के लिए नहीं छिप सकती। और बेटिया, आज से आप ही मालकिन है। साहब की पूरी जायदाद इज्जत के साथ आपकी हुई है। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिए काका। चलती हूँ। मेरा बेटा एक बार भी मेरी आंखों के सामने नहीं आया। काश उसे आखिरी बार जी भर के देख लेती।